और आपका टाइम शुरू होगा 10 सेकंड। वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि बच्चों आपको पता है आज 8 सितंबर है और हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे आज हम मना रहे हैं और हमारा ये क्विज प्रोग्राम जो है इसी बारे में है और यूपीएस चनीपुरा बाला पूरे स्टाफ के साथ और हमारी टीम बनी है, टीम ए, टीम बी और टीम सी, तीन टीमें बनी है और इसमें 3 राउंड होंगे हमारे। मैं आपसे इसी के मुताबिक क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर देंगे और जो टीम इसमें जीत हासिल करेगी तो उसको एक प्राइज मिलेगा। तो लिहाजा हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, तीनों टीम बी लड़ी, होशियार रहे, जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा वो सबसे पहले अपने जवाब, जिसको मैं ऐसे करूंगा वो जवाब बोलेगा, कोई भी टीम तीनों में से इस तरह नहीं बोलेंगे तीनों, ठीक है ना। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, टीम सी ने सबसे पहले हैंड रेस किया है, लिहाजा टीम सी बताओ। 8 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज लिटरेसी डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड, टीम बी ने सबसे पहले हैंड रेस किया है, लिहाजा टीम बी बताओ। 1967। बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइनर द इंटरनेशनल लिटरेसी डे, टीम सी। एंडोरा। रॉन्ग आंसर, टीम बी। यूनेस्को। वेरी गुड, चीयर्स। चौथा क्वेश्चन, अभी टीम ए ने किसी भी आंसर का जवाब नहीं दिया है, टीम बी और टीम सी, जैसे कि टीम बी को 2 पॉइंट मिले हैं, टीम सी को 1 पॉइंट मिला है, टीम ए अभी 0 पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, टीम बी। राजीव गांधी। वेरी गुड। राउंड 1 के 2 क्वेश्चन रह गए, विच इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया, टीम सी। केरला। वेल डन, वेरी गुड। व्हाट इज द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ वर्ल्ड 2022? 86.3। वेरी गुड, वेल डन। तो जी हमारा राउंड फर्स्ट जो है वो खत्म हो गया। जैसे ए टीम 0, बी टीम को 4 पॉइंट, सी टीम को 2 पॉइंट, तो इसी तरह अब ए टीम बेचारी का सोचता हूँ नेक्स्ट राउंड सेकंड का। राउंड सेकंड में अब देखते हैं कि टीम ए कितना अच्छा कर पाएगी। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द वर्ल्ड, आपका टाइम शुरू होता है। क्या है? रॉन्ग आंसर, कंट्री पूछिए। टीम बी, कंट्री हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द वर्ल्ड, लिटरेसी रेट इन द वर्ल्ड, विच कंट्री, कौन सा मुल्क है? अरे भैया, एंडोरा। यस, वेरी गुड। सेकंड राउंड का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपसे पढ़ना चाहूंगा आपके आगे, विच कंट्री हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन द वर्ल्ड, खड़े हो जाओ। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2023? यानी 23 का जो हमारा लिटरेसी इस वक्त जो है थीम है इसमें क्या है? तो प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर द वर्ल्ड इन द ट्रांजेक्शन बिल्डिंग ऑफ फाउंडेशन फॉर द सस्टेनेबल पीसफुल सोसाइटी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट लिटरेट यूटी इन इंडिया, टीम ए। मोस्ट लिटरेट यूटी इन इंडिया, रॉन्ग आंसर, टीम बी। इंडिया में मोस्ट लिटरेट यूटी इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर लिटरेट यूटी कौन सी है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लक्षदीप, वेरी गुड, लक्षदीप। तो टीम ए को 2 पॉइंट, टीम बी को 4 पॉइंट, टीम सी को 2 पॉइंट। टीम ए, टीम बी, टीम सी, जैसे हमारा सेकंड राउंड चल रहा है तो इसलिए होशियार रहे
और एक दूसरे के साथ गुफ्तगु करके मशवरा करके जवाब दें। विच इंडियन स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी? टीम ए बिहार। सेकंड राउंड में टीम ए अपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है इस वक्त। वेरी गुड, वेल डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया इज नॉट इलिटरेट? खड़े हो जाओ। बिहार। वेल डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट एजुकेटेड विलेज इन इंडिया? हैंड राइज करो, किसको आता है? टीम बी। नो, रॉन्ग आंसर। आपका टाइम, मैं आपको 10 सेकंड दूंगा और आपका टाइम शुरू होगा 10 सेकंड। आपका टाइम दोरा माफिया। हाँ, वेल डन, ठीक है। ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट और यूपी में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज इंडिया रैंक इन लिटरेसी? आपका टाइम शुरू होता है अब। टीम सी, टाइम पर। टीम सी 106 out of 127 कंट्रीज। वेरी गुड। तो सेकंड राउंड हमारा खत्म। तो सेकंड राउंड में हमारे टीम ए को मिले हैं 4 पॉइंट और टीम बी को मिले हैं 2 पॉइंट, टीम सी को मिला है 1 पॉइंट। तो अब हमारा लास्ट राउंड होगा, उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस सब बेहतर कर सकते हो। तो लिहाजा लास्ट राउंड में बी केयरफुल, हम लेते हैं तब तक एक ब्रेक। थर्ड राउंड, जैसा कि हमने 2 राउंड कंप्लीट किए, अब हमारा लास्ट राउंड आ रहा है, राउंड थर्ड। तो मैं आपसे इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन करूंगा। तो अब मैं देखता हूं कि तीसरे राउंड में कौन बेहतर कर पाएगा। ठीक है, तीसरे राउंड में टोटल 3 क्वेश्चन पूछूंगा टीम ए, टीम बी, टीम सी से। व्हाट इज इंडिया लिटरेसी रेट? टीम बी सबसे पहले आप खड़ा जी। 74.3% नहीं है बल्कि ये 4% है। ठीक है, क्लैप्स। फिर भी इसने 74 बोला, आगे परसेंट में ये गलत हो गया, तो ये इसने फिर भी ठीक बोला। तो क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? इसरो का नाम आपने सुना होगा, चंद्रयान 3 पिछले दिनों चांद पे गया, हमारे मुल्क ने भेजा और वो सक्सेसफुली लैंड हुआ, आप सबने सुना होगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर। वेल डन, टीम सी ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। और टीम सी, इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? इसरो जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ? 1960, 1980, 1985। कितने नंबर लिए? जैसा कि हमारी टीम बी है उसने 6 नंबर लिए हैं, 6.5 नंबर। टीम सी है उसने 5 नंबर लिए हैं। टीम ए है उसने 4 नंबर लिए हैं। तो आज की हमारी जो टीम है, विनर टीम है, वो टीम बी है। और सेकंड नंबर पे टीम सी है और थर्ड नंबर पे टीम ए है। तो लिहाजा मैं क्लैप्स करता हूँ टीम बी के लिए। और टीम सी ने भी बहुत अच्छा किया और टीम ए ने भी बहुत अच्छा किया। अब हम जितने भी हमारा स्टाफ है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लिए जो प्राइज हमने लाया बच्चों के लिए, इनको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि इनकी दिल बेलाई हो सके। टीम बी है उसको हमने ये प्राइज दिया। टीम बी को बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने बहुत अच्छा किया। टीम प्राइज बहुत बहुत मुबारक। क्लैप सी सी। तो टीम ए को भी ये प्राइज बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा किया हमारी बच्चियों ने, वेल डन। ये क्विज प्रोग्राम होने चाहिए स्कूलों में ताकि इनसे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ताकि हमारे बच्चे आगे जाएं और कुछ सीख सकें। बाकी पूरे स्टाफ को